हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर और सिंपल सा प्लेट्स वाला पफ स्लीव से डिज़ाइंस बनाना बताऊंगी, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। उससे आप कम फैब्रिक में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेन फैब्रिक के साथ जो बॉर्डर दिया हुआ था उसे हमने कट कर लिया है, इसे हम बाद में अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पर स्लीव्स की पेपर कटिंग की है मेजरमेंट के हिसाब से। स्लीव्स की लेंथ रखी है 7 इंच, नीचे हम बॉर्डर अटैच करेंगे, तो बॉर्डर की लंबाई हमने माइनस कर दी है। आपके जो भी स्लीव्स की टोटल लेंथ है उसमें से बॉर्डर की लंबाई को माइनस कर दीजिए और सिंपल स्लीव्स की कटिंग कर लीजिए। देखिए, स्लीव्स में हमने फ्रंट वाली साइड छटाई भी कट की है। ये देखिए, इस टाइप से सिंपल स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है पहले। अब देखिए, हमने यहाँ पर कंट्रास्ट फैब्रिक और मेन फैब्रिक की पट्टियाँ कट की है। तो कंट्रास्ट फैब्रिक की हमने बड़ी पट्टी कट की है और जो मेन फैब्रिक है उसकी 2 छोटी पट्टियाँ कट की है। कंट्रास्ट फैब्रिक की पट्टी की लंबाई है 7.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 20 इंच, और जो मेन फैब्रिक की छोटी पट्टियां हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई है 8 इंच। तो यह स्लीव्स और डिजाइन आप कम फैब्रिक में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अब जो हमने मेन फैब्रिक की पट्टियां कट की है उसे हम कंट्रास्ट फैब्रिक के दोनों साइड पर अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस टाइप से। तो जैसे हमने एक पट्टी को अटैच किया है, सेम उसी तरीके से हम दूसरी साइड में दूसरी पट्टी को अटैच कर देंगे। दोनों पट्टियों को हमने अटैच कर लिया है। अब इसे हम सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पर कट्स लगा लेंगे। ये देखिए, इस टाइप से। अब देखिए, इसे खोलकर बिछाएंगे और जहां हमने सेंटर पर कट्स लगाया है वहां से हम प्लीट्स बनाने के लिए मार्किंग करेंगे। तो सेंटर से हम मार्किंग करेंगे 2 इंच पर। ये देखिए, इस टाइप से 2 इंच पर मार्किंग करनी है। अब इसके बाद सेकंड वाली मार्किंग भी 2 इंच पर करेंगे। थर्ड वाली मार्किंग भी 2 इंच पर करनी है। फोर्थ वाली मार्किंग भी 2 इंच पर करेंगे और 5 वाली मार्किंग भी हमने 2 इंच पर ही की है। तो जितनी प्लेट्स बनानी है उतनी मार्किंग कर लीजिए। मैंने एक साइड में यहाँ पर 5 मार्किंग की है। आप यहाँ पर 4 मार्किंग भी कर सकते हो अगर आपको कम्प्लीट्स बनानी है तो। सेंटर से दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से 2-2 इंच की गैप रखते हुए 5 मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, इस टाइप से हमने सभी मार्किंग के जो बीच की गैप है वह 2-2 इंच रखी है। और दूसरी साइड भी हमने 5 मार्किंग कर ली है। ये देखिए, इस टाइप से हमने दोनों साइड में 5-5 मार्किंग कर ली है। अब हम प्लीट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट वाली मार्किंग को पकड़ेंगे इस टाइप से और सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे। सेकंड वाली मार्किंग को भी इसी के ऊपर सेट करेंगे इस टाइप से प्लीट्स बनाते हुए। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्लीट्स हल्की सी तिरछी शेप में बनानी है, बिल्कुल सीधी नहीं बनानी है। यह देखिए, इस टाइप से। फोर्थ वाली मार्किंग से प्लीट्स बनाएंगे और इसी के ऊपर सेट करेंगे। अब हम 5th वाली मार्किंग की भी प्लीट्स बनाएंगे और इसी के ऊपर सेंटर से मिलाते हुए सेट कर देंगे। ये देखिए, हमने 5 प्लीट्स बना ली है एक साइड में। अब यहाँ पर हम पिंस लगाकर अटैच कर देंगे। सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी मार्किंग की प्लीट्स बनाएंगे और इसे भी हम सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे। प्लीट्स हल्की सी तिरछी बनानी है। सेकंड वाली मार्किंग की भी हमने प्लीट्स बनाई है और फर्स्ट वाली मार्किंग के ऊपर रखेंगे। तो इस टाइप से हमने जितनी भी मार्किंग की है सभी की हम प्लीट्स बनाते जाएंगे
और सभी को सेंटर से मिलाते हुए एक के ऊपर एक रखेंगे और इस टाइप से सेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हम पिन से अटैच कर लेंगे और अब हम सेंटर पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे और पिन्स को निकाल देंगे। अब देखिए इन प्लेट्स को हम दूसरी साइड में सेट करेंगे, तो दूसरी साइड भी हमने सेंटर पर मार्किंग की है। तो सेंटर से हम हाफ इंच की गैप रखेंगे और फर्स्ट वाली प्लेट्स को इस टाइप से सेट करेंगे और पिन से अटैच कर देंगे। इसी के पास हम हाफ इंच की गैप रखेंगे और सेकंड वाली प्लेट्स को सेट करेंगे और पिन से अटैच कर देंगे। फिर से हम हाफ इंच की गैप रखेंगे और थर्ड वाली प्लेट्स को सेट करेंगे और पिन से अटैच कर देंगे। अब हम हाफ इंच की गैप रखेंगे और फोर वाली प्लेट्स को सेट करेंगे और पिन से अटैच कर देंगे। तो इन सभी प्लेट्स के बीच में हमने हाफ हाफ इंच की गैप रखी है और अब हम लास्ट वाली प्लेट्स को भी अच्छे से सेट कर देंगे और इसे भी हम पिन से लगाकर अटैच कर लेंगे। सेंटर से दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से प्लेट्स को सेट करेंगे और पिन से अटैच कर देंगे। यहाँ पर भी सेंटर पर आपको हाफ इंच की गैप रखनी है। देखिए इस टाइप से सभी प्लेट्स को अच्छे से सेट करते जाएंगे और पिन से अटैच कर देंगे। देखिए हमने दूसरी साइड में भी हाफ हाफ इंच की गैप रखते हुए सभी प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम किनारी पर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम पिन्स को निकाल देंगे। ये देखिए इस टाइप से हमारा शेप रेडी हो गया है। अब हमने जो पेपर कटिंग की थी स्लीव्स की, इसके सेंटर पर कट्स लगाएंगे दोनों साइड में और अब इन कट्स को हम स्लीव्स के कट से मिलाकर रखेंगे। ये देखिए सेंटर वाले कट को सेंटर से मिलाकर रखना है। इस टाइप से दोनों साइड में हमने कट से मिलाकर रखना है और इस टाइप से पिन लगाकर अटैच कर लेना है। अब स्लीव्स के किनारी पर हम साइड में सिलाई लगाकर इसे मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। तो यह सिलाई बिल्कुल किनारी किनारी पर लगानी है पूरी स्लीव्स पर। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। तो इस टाइप से हमारे मेजरमेंट का स्लीव से रेडी होगा डिजाइंस बनने के बाद। साइड से सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है। अब हम पेपर को रिमूव कर देंगे। तो पूरे पेपर को फिनिशिंग के साथ निकाल देंगे इस टाइप से। तो इस टाइप से हमारे मेजरमेंट का स्लीव्स रेडी हो जाएगा। पेपर को निकालने के बाद अब हम बॉर्डर अटैच करेंगे। तो बॉर्डर को सीधा रखा है, अब इसे हम स्लीव्स के ऊपर पलट कर रखेंगे और हाफ इंच इतना सिलाई में लेते हुए इसे बॉटम की साइड पर अटैच कर लेंगे। अब देखिए स्लीव्स की जो भी टोटल लेंथ है और इसकी जितनी भी चौड़ाई है उसी के बराबर हमने लाइनिंग फीस कट करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग फीस कट कर लिया है।
आप स्लीव्स को लाइनिंग फेस के ऊपर पलट कर रखेंगे और बॉटम की साइड हाफ इंच इतना सिलाई में लेते हुए अटैच कर लेंगे। अब इसे हम फोल्ड करेंगे, तो लाइनिंग फेस को हम बैक साइड पर फोल्ड कर देंगे इस टाइप से और किनारे पर एक सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। अब देखिए यहां से हम पूरी स्लीव्स की किनारी पर साइड में सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे, जिससे स्लीव्स के साथ लाइनिंग पीस भी अटैच हो जाएगा। प्लीट्स को अच्छे से सेट करते जाएंगे और यहाँ पर भी हम किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। आगे भी इसी टाइप से स्लीव्स के न्यू डिजाइन्स बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे न्यू लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। सिलाई लगाने के बाद ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। अब देखिए स्लीव्स को सेंटर से डबल फोल्ड करके रखेंगे। स्लीव्स को सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो 5 इंच स्लीव्स की फिटिंग है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। अब आपको स्लीव्स में फ्रंट वाली साइड छटाई नाप कर देख लेना है। फ्रंट में हमको 1.25 इंच की छटाई कट करनी है। अगर आपकी छटाई कम आ रही है तो यहाँ पर हम चौक से मार्किंग करेंगे, या देखिए इस टाइप से, और फ्रंट वाली साइड हम 1.25 इंच की छटाई कट कर देंगे। छटाई कट करनी बहुत जरूरी होती है स्लीव्स में, वरना भरने के बाद स्लीव्स फिटिंग में परफेक्ट नहीं आएगा। देखिए हमने फ्रंट वाली साइड 1.25 इंच की छटाई कट कर दी है। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज के साथ अटैच कर लेंगे। तो जो हमने छटाई कट की है वह ब्लाउज में फ्रंट वाली साइड अटैच करनी है। स्लीव्स के सेंटर को शोल्डर के सेंटर से मिलाकर रखेंगे और सेंटर से हम पहले हाफ स्लीव्स अटैच करेंगे एक साइड। ये देखिए मैंने यहाँ पर हाफ स्लीव्स अटैच कर लिया है। अब हम सेम तरीके से हाफ स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। तो जैसे सिंपल स्लीव्स को ब्लाउज के साथ अटैच करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद स्लीव्स के सेंटर पर हमने जो डिजाइन्स बनाई है वहां पर हम एक शो बटन अटैच कर देंगे सुई धागे से। और आज का स्लीव्स डिजाइन रेडी हुआ। थैंक्स फॉर